नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 18 वर्ष की एज पूरी हो जाने के बाद आप इलेक्शन में मतदान करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, लेकिन मतदान करने के लिए सबसे पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। वोटर लिस्ट में नाम ऐड कैसे करना है आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। और वोटर कार्ड कई अन्य कामों में भी काम आता है, इसीलिए आपको वोटर कार्ड बना लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस वीडियो में आज मोबाइल के द्वारा कैसे वोटर कार्ड का आवेदन करेंगे उसके बारे में पूरा बेहतर तरीका से डिटेल से आज हम बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च ऑप्शन यहाँ पर है। सर्च ऑप्शन में आपको क्या सर्च करना है, वोटर हेल्पलाइन ऐप, है ना। वोटर हेल्पलाइन ऐप में क्लिक करना है। जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप आ जाएगा, यहाँ पर देखिए वोटर हेल्पलाइन लिखा हुआ है, इस ऐप को टच कर देना है। जैसे टच करेंगे आपको यहाँ से आपको क्या करना है, वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है इस ऐप को आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसमें आपको ओपन लिखा हुआ रहेगा। फिलहाल मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसको हम ओपन कर देते हैं। जैसे ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि मोबाइल नंबर और पासवर्ड देने के लिए। हम अभी इसमें लॉगिन नहीं करेंगे, लॉगिन को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर न्यू वोटर कार्ड ऑनलाइन करना है तो आपको फॉर्म में यहाँ पर क्लिक करना होगा। फॉर्म में क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है अप्लाई ऑनलाइन न्यू है ना, इसमें क्लिक करना है। न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है और यहाँ से कंटिन्यू क्लिक कर देना है। यहाँ आपको अपना स्टेट चूज कर लेना होगा। जैसे मैंने स्टेट चूज कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, हम यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका विधानसभा जो है, आपका जिस विधानसभा पड़ता है उस विधानसभा का आपको सिलेक्ट करना है। हम यहाँ से अपना विधानसभा सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसका सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर उस व्यक्ति का जिसका आप वोटर कार्ड ऑनलाइन कर रहे हैं उस व्यक्ति का आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम डालना है। ध्यान रहे आप यहाँ पर जो नाम लिखेंगे वो नाम आपका जो पहला जो नाम लेटर होता है वो पहला लेटर बड़ा होना चाहिए। और जैसे मेरा नाम नयन कुमार है तो नयन लिखेंगे, उसके बाद नीचे कुमार लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं। उसके बाद नेम इज, नेम में जैसे नीचे सेकंड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सरनेम डालना होगा, जैसे कि हम डाल दिए। उसी तरह से यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है, हिंदी आ जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ओके दोस्तों। उसके बाद आपको आपके पास जो भी ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर मेल या फीमेल है जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ चेक मार्क करके सिंपली नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हाउस नंबर डालना होगा। आपका जो घर का नंबर है वो घर का नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एरिया डालना है, कौन सा एरिया है तो एरिया हम फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो टाउन है या विलेज जो भी है उसको आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप कितने दिन से इस एड्रेस में रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जैसे कि डेट ऑफ बर्थ जो है वही डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, क्योंकि जन्म से ही यहाँ पर रह रहे हैं। तो जन्म से ही आपको क्या करना, यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद सेम एड्रेस आप यदि किसी दूसरे एड्रेस में रह रहे हैं वर्तमान में, तो आप इसको फिर से यहाँ पर दूसरा फिल कर सकते हैं जिस एड्रेस में आप रह रहे हैं, या सेम एड्रेस ही है तो सेम एड्रेस में क्लिक करेंगे तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर फिल हो जाएगा, ओके दोस्तों। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, नेक्स्ट में क्लिक कर देना है।
जैसे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे या फैमिली का डिटेल पूछेगा, जो पहले से ही वोटर लिस्ट में ऐड है उसका नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे आपका कोई भी जो रिलेशन में है आपके साथ क्या रिलेशन है वो रिलेशन आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपके पास ये जो है नीचे जो दिया गया है इसको आपको फिल नहीं करना है, सिंपली आपको इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा। यदि आप के पास फोटोग्राफ है, ध्यान रहे आपका जो फ़ोटो है वो 2 MB से कम होना चाहिए तभी अपलोड होगा। कैमरा में टच करेंगे, उसके बाद अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आपका इस तरह का आएगा और यहाँ से आपका यदि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास अवेलेबल है तो आप कैमरा में टच कर सकते हैं, या आप फाइल मैनेजर के द्वारा या गैलरी के द्वारा भी आप यहाँ आकर के क्या कर सकते हैं, फ़ोटो को चूज कर सकते हैं। तो मेरे पास जो भी फ़ोटो है वो फ़ोटो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आपको यहाँ पर एक एज प्रूफ देना होगा, जैसे कि आपके पास जो भी है, जैसे कि ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, या इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या कुछ भी नहीं है तो आधार कार्ड तो हो गई है ना। आधार कार्ड को टच करेंगे और आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, उसी तरह जैसे हम किए थे उसी प्रकार सिंपली इसमें आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे, है ना। अच्छे से ध्यान रहे, अच्छे से उसको क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एड्रेस प्रूफ डालना होगा, इसके लिए आपके पास इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक है ना, पोस्ट ऑफिस करंट पासबुक, या किसी प्रकार का इसमें जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल है ना, ये सारे चीज़ में किसी भी एक को सिलेक्ट कर लें। जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस का एक या पासबुक हम यहाँ पर क्या करें अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ से गैलरी में जाएंगे और एल्बम में जा कर के यहाँ से पासबुक को अपलोड कर दें। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट फिर से सिलेक्ट कर लेना होगा, फिर यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद आपका विलेज जो है विलेज आप यहाँ पर लिख देंगे। चेक मार्क कर देना होगा, उसके बाद यहाँ भी चेक मार्क कर देना होगा। और आपको यहाँ से आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देख लेना है कि सब सही है कि नहीं है। यदि सही है तो आप यहाँ से कंफर्म में क्लिक करेंगे, और अन्यथा आपको इस क्रॉस चिन्ह जो दिख रहा है ना यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या करना है, कट करके फिर से सुधार कर लेना है। फिलहाल हम चेक कर लिए सब कुछ सही है, तो इसको क्या करना, कंफर्म में क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम लगा इस तरह से, और उसके बाद ये सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।